असलम वेलकम बैक कैसे हैं जी आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ तो जी गुड इवनिंग यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं जो है बना रही थी खाना और आपने देखा कि रुहान को जना है ना ले तंग करा था एक्चुअली वो जो इससे जो है ना ये जो चॉपर है ना इसका जो मशीन है ना उससे बहुत ज़्यादा डरता है वो हेयर ड्रायर इस तरह की चीज़ें वो इन सब चीज़ों से जो है ना थोड़ा सा डरता है तो हल्यान जो है ना उसको और डराता है उसको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा उसको तंग करता है हालांकि मैं मना भी कर रही थी लेकिन उसको कहता नहीं मामा ये बार बार ऐसे डरेगा इसको पास लाएंगे ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता डरना छोड़ देगा मैंने चले ठीक है जी तो बहरहाल जी मैं पास ही खड़ी थी तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ जी अपनी रेसिपी की तरफ तो आज मैं जो है बड़ा मज़ेदार सा अथेंटिक जो है ना कह सकते हैं आप आलू गोश्त बना रही हूँ और इसमें मैंने सबसे पहले प्याज डाला है ऑयल में और उसके बाद मैंने सारे खड़े मसाले जो होते हैं ना दालचीनी लौंग छोटी इलायची बड़ी इलायची जो है ना ये मैंने डाल दी है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी मटन चिकन कहने लगी थी और उसके बाद ये मैंने अदरक और लहसुन को जो है ना बड़ा अच्छा सा चॉप कर लिया इस चॉपर में इस चॉपर ने ना सच में मेरी जिंदगी जो है न आसान बना दिया पहले मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए ना थोड़ा सा वो होता था कि टाइम लगेगा तो मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ तो फिर जब से हस्बैंड ने बोला ना कि थोड़ा सा मतलब आप फ्रेश बना लिया करें अगर आपके पास टाइम हो क्योंकि फ्रेश का जो है ना वो अलग ही टेस्ट होता है चाहे आप फ्रीज़ करें चाहे जिस तरह भी करें ना तो इसका अपना ही टेस्ट होता है मतलब जब खाना बनता है ना तो एक किचन में एक जो खुशबू आ रही होती है ना अदरक लहसुन प्याज इन सारी चीज़ों की जो वो कूटने वाली जो होती है ना तो बड़ी अच्छी लगती है पता चला होता है कि खाना बन रहा है तो बस ये उसके बाद मैंने इसमें ये चॉप करके मेरे आप कह सकते हैं कि आठ से दस सेकंड लगे हैं कि दोनों चीज़ें बड़ी अच्छे से बिल्कुल पेस्ट बन जाता है तो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बन सकता है वरना वो होता है ना वो अगर हम जग वगैरह लेते हैं तो उसमें वो बस उसको कह लें कि निकालना भी ज़रा मुश्किल लग रहा होता है तो ये जो चॉपर है ना बेस्ट है और उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं अब इसमें मसाले नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया साबुत जीरा का जो पाउडर है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था मैंने कहा चले ज़ीरा डाल देती हूँ और गोश्त को जो है ना मैं थोड़ा सा इसको जो ना है ना फ्राई किया मतलब इसका कलर जो है ना वो चेंज हो गया है और मैं इस तरह से गोश्त बनाती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है बन नस्बत उसके जिसमें वो पानी डाल के अदरक लहसुन पे मतलब डाल देते हैं ना उससे मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब घी घी में इसको जब फ्राई करते हैं ऑयल में तो इसकी जो एक कच्चा पान है ना वो ख़त्म हो जाता है तो बस उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर और फिर मैंने उसी में चॉपर में डाल के पानी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर और सारी चीज़ें चूँकि चॉप करके डाली हैं तो फटाफट से जो है ना बन जाएगा मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे बीस से पच्चीस मिनट लगे थे मतलब जितना इसका कुकिंग टाइम है ना उतने देर में ये बन गया था मतलब किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक पकाने और उसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी गोश्त के साथ सारी चीज़ें बड़े अच्छे से जो है ना वो हो गई थी तो बस यहाँ पे मैंने पंद्रह मिनट के लिए लगा दिया था प्रेशर और प्रेशर जो है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं मतलब कितनी देर में गोश्त वगैरह जो है वो आपका गल जाता है तो वो आप लगा लीजिए अपने हिसाब से तो ये देखें कितना अच्छा सा जो है ना पूरा पूरा पानी डाला है बहुत ज़्यादा नहीं डाला ताकि गोश्त जो है ना वो गल के बिल्कुल वो भी ना ना हलीम भी ना ना हो जाए तो ये जो ना बड़ी एक कह लें कि अब मेरे ख्याल से आपको ना करने से आता है प्रैक्टिस कर कर के ना आप जब माहिर हो जाते हैं ना फिर इन चीज़ों का जाना पता चलता है क्योंकि अक्सर मुझसे कोई कुकिंग के बारे में पूछता है ना तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता है मैं कहती हूँ बंदा किस तरह से बताए अब गोश्त आता है कभी किस तरह से आ जाता है कभी किस तरह से मतलब कभी ज़्यादा टाइम में गलता है कभी कम टाइम में गलता है और कोई डिफरेंट जगह का पानी का हर चीज़ का अलग अलग हिसाब होता है तो मेरे ख्याल से हम जहाँ रह रहे होते हैं ना तो उसमें आप प्रैक्टिस करते 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 जो है ना वो फिर कह लें कि नाप तोल वाला काम ख़त्म हो जाता है बस चीज़ देख के आप सारे मसाले डालते हैं और खाना जब वो रेडी हो जाता है तो बस जी उसके बाद मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूना क्योंकि पहले आपने देखा है कि मैंने उसको ऑयल में जो है ना पहले ही गोश्त को जो है ना थोड़ा सा भून लिया था तो उसमें उसकी काफ़ी हद तक जो स्मेल है ना वो कम हो जाती है तो अभी मैंने इसको हल्का सा भून के और इसमें मैंने आलू डाल दिया और फिर मैंने इसमें लगा दिया शोरबा और शोरबा आपको जितना चाहिए आप लगा सकते हैं ईजी फटाफट और मज़े की रेसिपी ये बनती है और मेरे घर में तो आलू गोश्त ना मोस्ट फेवरेट डिश है मतलब तो जब कुछ समझ नहीं आता तो आलू गोश्त बनता है तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं क्योंकि मेरा भाई भी आया हुआ है मतलब गेस्ट भी आए हुए हैं तो थोड़ा सा कह लें कि अच्छे से बनाते हैं मज़ा आए तो बस उसके बाद जी बर्तन भी मैं साथ साथ धो रही होती हूँ मतलब तो मैं किचन में खड़े रहती हूँ एक साथ और काम जब वह निपटा रही होती हूँ अच्छा जी उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली थी और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं इतना मज़े का बना था मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था इसकी जो खड़े मसाले जब हम डालते हैं ना इसकी जो खुशबू होती है ना मतलब उससे आपको ऐसे बिल्कुल देगी जो होती है ना साल की खुशबू वैसी लग रही होती है तो बस यहाँ पे मैंने फिर सबको सर्व किया तो हम लोग जो है न वो मतलब डोंगे में डाल के रखना वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं बस हांडी रखी दस्तरखान खान पर और सबको डाल के दे दिया ऐसा कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि अपने ही होते हैं मतलब भाई था और बहन थी तो मैंने कहा चले आराम से जो है नाम खा लेंगे तो बस अच्छा जी उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता तो मैंने हस्बैंड से बोला कि अब अम्मि थोड़ा सा ब्लॉग ही शूट कर दें क्योंकि आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा लेजी हुई हुई हूँ गर्मी की वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता काम करने का दिल नहीं करता तो फिर आपको पता है ब्लॉग कैसे बंदा बनाए तो काम भी ऐसे बस किचन में आओ भागम भागी और काम खत्म करके मतलब बाहर जा के बैठ जाओ इतना हम इतनी गर्मी हुई हुई है ना ये तीन चार दिन से फिर से तो बस यही चल रहा है जी तो बस मैं बना रही थी नाश्ता तो मैंने उनसे बस इतना ही कहा तो वो भागते हुए गए उन्होंने कहा अच्छा मैं बना देता हूँ तो उन्होंने जो ना मेरा ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर दिया मुझे तो यहाँ पर पराठे बन रहे हैं और साथ में दूध भी बॉयल हो रहा है चाय बनेगी क्योंकि अभी अभी दूध भी मंगवाया है दूध खत्म हो गया था रात में तो साथ में मैंने फिर पराठे बनाए हैं सालन जो है जो रात को बनाया था वही गर्म किया है और उसके बाद यहाँ पे ये देखें मेरा छोटा सा जो हेल्पर है ना वो लगाने की कोशिश कर रहा है दस्तरखान और सब जो है ना वो फ्रेश हो रहे हैं मतलब कोई हाथ मुँह धो रहे हैं कोई मतलब इस तरह से है तो अभी हम सब बैठ के मिलके जो है वो नाश्ता करेंगे और बस आगे की जो भी रूटीन होती है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ और यहाँ पे हमारा जो दस्तरखाना आहर दस्तरखान जो है आहर कार बिछ गया है तो पराठे भी तकरीबन मेरे बन गए हैं पराठे जो है बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं बना रही हूँ क्या नहीं क्रिस्पी और क्रंची टाइप सिंपल से बना रही हूँ क्योंकि गर्मी है और यहाँ पे ना हमारी मतलब मेरी जो फैमिली है उसमें ज़्यादातर जो है ना मॉर्निंग में पराठे वगैरह का ही नाश्ता किया जाता है मेरे ख्याल से हम ये जितने भी पंजाब साइड के लोग हैं ना नाश्ते में पराठे रोटियाँ ऐसे ही खाते हैं <laughs> तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ ना मतलब लोग कोई कह रहे हैं हम शेक पी रहे हैं कोई कोई हम लोग ऐसे करते हैं मतलब इधर हम मैं हूँ मेरे हस्बैंड हैं हम लोग कभी कभी ऐसे कर लेते हैं लेकिन मतलब जो हमारी अम्मी का घर है ना वहाँ पे हम लोगों ने सारी ज़िंदगी नाश्ते में जी पराठा खाना है या अंडा खाना है या इस तरह से सालन के साथ जो रात में बनना है वही खाना है ये चीज़ें जो है ना वो चल रही होती हैं तो बस जी उसके बाद नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कामों में लग गई थी सबसे पहले तो है मैंने रुहान को नहला के चेंज किया और यहाँ पे इसको ना कोई चोट लगी थी तो मुझे दिखा रहा था रो रहा था और मैं यहाँ पे ना बेडशीट चेंज करने लगी थी क्योंकि मैंने कहा मशीन जो है वो मैं ऑन कर देती हूँ तो कपड़े जो है धुलते रहेंगे और फिर साथ साथ जो है ना बाकी घर का काम जो है सफाइयाँ और किचन का जो काम है वो भी होता रहेगा तो मशीन का वैसे ऑटोमेटिक का ये फ़ायदा तो है लेकिन मैं उसको ज़्यादातर जो है ना वो कह लें कि दूसरी तरह यूज़ कर रही होती हूँ जैसे दूसरी मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक होती है ना वो वैसे यूज़ कर रही होती हूँ हाँ जो आहर में जो मैं चक्कर लगाती हूँ ना वो थोड़ा हैवी लगाती हूँ तो वो जो है वो फिर उसको ऑटोमेटिक भी यूज़ कर लेती हूँ तो बस मेरी सैटिस्फिकेशन के लिए मैं ऐसा करती हूँ मतलब मुझे लगता है ऐसे कपड़े अच्छे से साफ़ होते हैं कुछ यहाँ का ना पानी भी ऐसा है मेरे ख्याल से ये भी मसला है कि पानी यहाँ का ऐसा है ना तो कपड़े साफ़ करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा जो है ना टाइम चाहिए होता है <laughs> तो बस ये मशीन जो है वो मैंने ऑन कर दी थी और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए फटाफट से जो है वो बर्तन वॉश करते हैं और नाश्ते में आपको पता है कि काफ़ी माशाल्लाह से बर्तन होते हैं रात के जो पतीलियाँ वगैरह भी होती हैं वो भी मैं ज़्यादातर नाश्ते के बाद ही धोती हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही पतीली या कुछ भी जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ अच्छा मुझे कि मेरी बहन कह रही थी कि आप ऐसे नहीं रखा करें निकाल के डब्बे में तो फिर रखा करें मुझे असल में ना शुरू से हम लोग ऐसे ही करते हैं ना तो फिर मैं भी मतलब अम्मी के घर में भी ऐसे ही करते थे और दूसरा ये है कि मेरी फ्रिज थोड़ी सी बड़ी है ना मतलब उसकी चौड़ाई ज़रा ज़्यादा है तो पतीली वगैरह आराम से आ जाती है तो मैं रख देती हूँ मतलब मुझे लगता है कि सुबह फिर गर्म करना है खाना है तो इसी तरह से रख दें हाँ अगर आप चाहें तो आप डब्बे में भी डाल के रख सकते हैं वो कोई इशू नहीं है अच्छा उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए और सारी सफ़ाई वगैरह करी यहाँ पे मैं फ़र्श धो रही थी और इधर यह यहाँ पे बाहर आप देखें जी मौसम बड़ा अच्छा सा हो गया था ऐसे लग रहा था जैसे शाम हो गया लेकिन अभी असर के बाद का टाइम है तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया था लेकिन बारिश नहीं हुई बादल आए हैं और <laughs> कहने के बादलों ने बस आँख में चोली किया हमारे साथ और चले गए और यहाँ पर ये कपड़े भी देखे आप वॉश हो रहे हैं और ये सारे कपड़े मैंने इसमें से निकाल के रखे हुए हैं जब ये जो लास्ट मैंने चक्कर अभी जैसे कि डाला वह ये जब आ, मतलब वॉश रिंस और स्पिन हो जाएगा तो फिर ये वाले जो बाहर कपड़े रखे हैं ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी फिर इसको सिर्फ मैं रिंस और स्पिन कर दूँगी तो इस तरह से मुझे लगता है कि सर्फ भी बचता है और आप जो है ना वो ज़्यादा टाइम तक मशीन को चला के कपड़ों को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं तो मैं है ऐसे ही धोती हूँ तो बाकी कभी कभी वैसे भी धो लेती हूँ मतलब अगर मुझे लगे कि टाइम कम है या कपड़े मुझे लगे कि बस एक चक्कर के ही हैं तो फिर मैं वैसे भी धो देती हूँ तो अभी मुझे एक दो चक्कर था तो मैंने फिर इस तरह से धो लिए हैं और बस अभी सारी क्लीनिंग हो गई और यहाँ से पानी बाहर निकालना जाना बड़ा एक मुश्किल काम है क्योंकि आगे जो इन्होंने रखा हुआ ना पानी निकालने के लिए जगह वो जो है थोड़ी सी ऊंची है और पीछे से नीचा है फर्श तो फिर मैं इस तरह से ही पानी जो है ना बाहर निकालती हूँ लेकिन मुझे किचन धोए बगैर बिल्कुल सुकून नहीं आता स्पेशली इस मौसम में जैसे कि बरसात का मौसम है तो आपको पता है चीनटियाँ वगैरह और इस तरह से जो है ना वो मतलब सफाई का ख़ास ख्याल मतलब पीक की सफ़ाई जो है करनी पड़ती है अच्छा हम लोग सफाई कर रहे थे तो यहाँ पे देखें जी अलियान को चोट लगी है बाहर साइकिल चला रहा था तो इसको कोई सख्त चोट लगी है इसकी तीनों जो फिंगर्स हैं ना उस पर कट लग गया था और डीप कट लगा था फिर इसके बाबा भी साथ ही आ गए इसको लेकर आए ऊपर फिर उन्होंने खुद मतलब साफ करके और उन्होंने सारा जो मेडिसन्स वगैरह का सामान होता है वो घर पे रखा है बैंडेज पटियाँ शटियाँ सब कुछ तो वो खुद ही जो है वो काट लेते हैं तो फिर उन्होंने इसको अच्छे से पटियाँ की हैं पता नहीं कैसे बस हाथ पे कट लगा के आ गया और यहाँ पे ये देखें जी अभी अभी शाम नहीं हुई है तो बर्थ कब काम सारा जो मेरा खत्म हो गया था कपड़े भी सारे धुल गए और कपड़े जो बाहर फैलावे बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही थी और मशीन जो है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया बाहर से जो है ना मशीन को भी मैं जब भी इसमें कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ तो उसके बाद अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और यहाँ पर आज मैंने नीचे बिछाई है जी एक नई चादर जो कि कॉटन की है और मुझे नहीं लगता ये टिकेगी लेकिन फिर भी मैंने बिछा दी है मैंने कहा चलें देखते हैं तजुर्बा करके क्या बनता है क्योंकि वैसी जो चादर है ना मुझे मिल नहीं रही है मतलब वो जो मुल्तानी चादर है मेरी पसंद की नहीं मिल रही वैसे तो बहुत सी हैं उसके कलर जो है ना मुझे अच्छे जो लगते हैं वो मुझे नहीं मिल रही है तो उसके बाद मैंने कहा शाम का टाइम है तो कुछ बनाते हैं मतलब कुछ मीठा तीखा कुछ खाने का दिल कर रहा था काम शाम से फ्री हो के खाना तो हर बनेगा ही बनेगा तो यहाँ पे मैंने चूल्हे जलाए देखे दोनों चूल्हे पे हल्का हल्का पानी गर्म भी हुआ और एकदम से गैस हमारी जो है वो बंद हो गई तो ये काम जो है वो कह लें कि हमारा कह लें कि रुक गया तो उसके बाद फिर मैंने सिलेंडर निकाला और फिर मैंने सवैयाँ भी बनाई और साथ में अभी मैं बना रही हूँ जिमकरोनी और ये मैं कह लें कि शाम की चाय पीते पीते हमें आठ ही बज गए थे बस इस चक्कर में वरना फटाफट से काम जो ना वो हो जाना था आ, पता नहीं गैस क्यों बंद होगी और फिर आई भी नहीं है नेक्स्ट डे जो ना मॉर्निंग में आई थी आई थिंक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है रोड पे तो शायद इस वजह से ही बंद हुई होगी तो बस ये आई थिंक चक्कर हुआ होगा और उसके बाद जी यहाँ पर मैं मकर बना रही थी वही जो रेडी मसाला के साथ आती है ना वो वाली ही बना रही थी बस ऐसे ही शाम का कह लें कि नाश्ता कहते हैं जो भी कहते हैं स्नैक्स वगैरह के तौर तो पे तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जी प्याज लिया जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने उससे ही बना ली कोई ज़्यादा उसमें मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके लिए आसानी होना वैसे आपको काम करना चाहिए ये नहीं कि आपने पूरी प्रॉपर रेसिपी फॉलो करनी है तभी खानी है नहीं आपको अगर लगता है कि हाँ इस तरह से भी चीज़ अच्छी बन जाती है और खाने के काबिल होती है तो बस जो चीज़ है उसी से बना लें तो यहाँ पे मैंने प्याज को काटा उसके बाद मैंने लहसन को थोड़ा सा कद्दूकश कर लिया और उसके बाद मेरे पास शिमला मिर्च मैंने देखा फ्रिज में थी तो वो मैंने एक ले ली वो मैंने कट कर ली टमाटर डाल लिया आप चाहें तो मटर डाल लें बंद गोभी डाल लें गाजर डाल लें जो भी आपका दिल करे आप मैक्रोनी में तो आपको पता है कि आपकी अपनी चॉइस है चाहे कुछ भी ना डाल लें तो मुझे जो भी था वो मैंने फिर इसमें ऐड करके और इतनी मज़े की बन गई थी ना सच में तो सबसे पहले मैंने प्याज जो है उसको मैंने हल्का सा बस कहने कि सॉटे किया उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया है चिकन भी मेरे पास बोनलेस थोड़ा सा वही मैंने इसमें डाल दिया है और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि वो जो कैबिनेट है ना उसको तो नहीं सेक जा रहा तो मैंने फिर थोड़ा सा सिलेंडर और इधर कर दिया रुहान की वजह से ना मुझे बस इसका डर लगा रहता है बाहर है गया जी मैंने उसके बाद उसमें लहसन डाल के उसको फ्राई किया यहाँ पर मेरी मेरी सिस्टर आ गई वो कहती है मैं चम्मच चलाती हूँ क्योंकि मेरा ध्यान उधर होता है ना तो रुहान पीछे से भागता हुआ आ जाता है इसके पास तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी इसको जो है मैंने अच्छे से जो है वो फ्राई किया बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना पकाना नहीं है मतलब गलाना नहीं है थोड़ी सी क्रिस्पी ही रही तो वही अच्छी है तो उसके बाद मैंने जो रेडीमेड मसाला होता है ना मैकरोनी में वो मैंने डाल दिया थोड़ा सा मैंने घर के मसाले डाले नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और पहले मैं सोच रही थी जो मैकरोनी मेरे पास अलग से पड़ी है वो भी डालू कहीं कम ना हो जाए तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं अभी थोड़ी देर मतलब नाश्ता टाइप ही करना है स्नैक ही है तो फिर खाना तो हमने खाना ही है तो अलहमदल ये कि पूरा हो गया था तो बस उसके बाद जी ये जो मैंने मेकरोनी पास्ता वॉटर जो भी मैंने बॉयल किया जी वो मैंने इसमें डाल दिया इसको मैंने मिक्स किया और इसको मैंने रख दिया था दम पे पाँच सात मिनट के लिए और फिर मैंने इनसे पूछा कि चाय बनाऊँ तो कहते नहीं अब चाय रहने तो बस यही ठीक है क्योंकि फिर थोड़ी देर तक हमने खाना भी खाना है तो चाय रहने देते हैं वो तो बल्कि यही कह रहे थे कि सिलेंडर पे बनाना है तो ये चीज़ें भी रहने दो मैंने कहा नहीं अब मैंने इरादा किया था तो मैं इसको ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि मैंने सवैयाँ भी निकाल के रखी हुई थी मैकरोनी वगैरह भी तो मैंने कहा नहीं अब वापस नहीं रखना मैंने तो सालन में जी मैंने बनाना था आज आलू बैंगन का सालन क्योंकि सब्जियाँ मैंने मंगवा के रखी हुई थी मैंने कहा पहले उनको ख़त्म कर लूँ फिर आगे जो है ना वो ना कुछ मंगवाऊंगी और बस जी यहाँ पे दस्तरहान फिर से हमने लगा लिया है अच्छा हम लोग जो है ना हमारी आदत है कि हम लोग चूँकि नीचे बैठते हैं तो दसरहान जरूर लगाते हैं इनके बाबा ने ना इनको बड़ी पक्की वाली आदत चना पर डाली हुई है बच्चों को भी और मुझे भी कहते हैं अकेला बंदा भी बैठ के खाए तो दस्तरहान पे खाए क्योंकि इस तरह से बरकत होती है अच्छा लगता है तो हमारी तो है शुरू से आदत है डाइनिंग टेबल वगैरह तो नहीं है लेकिन ये है कि नीचे बैठ के इस तरह से दस्तरहान लगा के आराम से बैठ के खाते हैं अच्छा लगता है मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा बैठ के खाऊँ लेकिन फिर वही बात है कि इंशाल्लाह जब लेंगे तो बैठ के खा भी लिया करेंगे कोई बात नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे जी सवैयाँ बन गई थी और मैकरोनी बन गई थी और रूहान जो ना वो एज़ यूजल हर चीज़ में मतलब हाथ डाल रहा था और अलियान को अल्लाह जाने मतलब उसको रोकता है जब वो रुकता नहीं तो फिर उसको गुस्सा करता है कि मतलब क्यों नहीं रुकता ममा ये ऐसे क्यों करता है तो ये देखें अब उसके बेचारा उसके पीछे पीछे रहता है कि कोई काम जो ना वो ख़राब ना कर दे तो बहर जाल जी यहाँ पे हम लोग बैठ गए और फिर हम लोगों ने इंजॉय किया बड़ा मज़े का बना फटाफट से झटपट और उसके बाद मैंने इसी बीच में जो है ना वो खाना भी बना लिया और फिर रोटी तो है हमने तो काफ़ी लेट खाई थी मैंने कहा अब सिलेंडर पर बना लिया है तो जब भूख लगेगी तभी बना लेंगे तो ये है जी मेरा आज का ये ब्लॉग इंशाल्लाह आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय